किसान वीरों सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आपका फार्मिंग लीडर चैनल पे वेलकम करता हूँ। किसान वीरों आज हम पहुँचे हैं भारत भूषण त्यागी जी के पास और इनका गांव है बेटा जो कि गाजियाबाद के पास पड़ता है। तो नमस्कार जी। जी नमस्कार। किसान भाइयों आप आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो में जो एक किसान का बहुत बड़ी बात है कि हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं उसको कैसे करें और एक बड़ी बात है, एक मिथ है कि जैविक खेती हो नहीं सकती है। आप जो हमारे पीछे ये सारे खेत देख रहे हैं ये जैविक खेती की ही मिसाल है और मिश्रित खेती, स्पेशली मिश्रित खेती की गई है, तो इसके बारे में हम सर से जानेंगे। नमस्कार जी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आज जिस मुद्दे की बात पर हम लोग अब चर्चा करना चाहते हैं उसमें कुछ गहरी बातें हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैविक खेती के जो मिथक हैं उनका उत्तर यदि हम देखना चाहते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था में उनका उत्तर हमको दिखता है। प्रकृति की व्यवस्था सहअस्तित्व के रूप में काम करती है, विविधता के रूप में काम करती है, घनाकार के रूप में काम करती है और नैसर्गिकता के रूप में काम करती है। ये शब्द आपको सुनने में ज़रूर भारी लगते हैं लेकिन वास्तविकता ये है कि धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य का एक गहरा रिश्ता है। यदि इस रिश्ते को हम ठीक ठीक समझते हैं तो हमें ये पता लगता है कि प्रकृति में नियम भी है, नियंत्रण भी है और संतुलन भी है। हमें किसी को ना किसी पर कब्जा करना है, ना हमें किसी कीड़े को मारना है, ना हमें घासों का नाश करना है। धरती पर नाश करने की कोई क्रिया है ही नहीं, रूपांतरण की क्रिया है। हर समय हर चीज़ हर मौसम में अपने हिसाब से पैदा होती है। तो हम यदि प्रकृति के नियम को समझकर काम करते हैं तो हम जो अभी उलझे हुए हैं तरीकों में, कोई घास बनाने कोई खाद बनाने की सिफारिश करता है, कोई दवाई बनाने की सिफारिश करता है, ये जो सिफारिश है ये तरीके हैं। हम तरीके की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं प्रकृति की व्यवस्था को पहले समझा जाए फिर उसके साथ कुछ किया जाए। तो आज जो मैंने बात आपके सामने रखी है उसका एक उदाहरण ये है कि प्रकृति अनेक चीज़ें पैदा देना करना चाहती है। हम एक चीज़ पैदा करते हैं तो उससे हमारी ज़मीन भी कमज़ोर होती है और हमारी इकोनॉमिक्स भी कमज़ोर होती है। तो जैविक खेती में पूरे देश के सामने यही बड़ा सवाल था कि जनसंख्या बढ़ रही है, अनाज कहाँ से मिलेगा, पैसा कैसे कमेगा, और आज सरकार भी आवाज़ उठा रही है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो। तो मैं आपको बड़ा निवेदन करता हूँ कि हम अपने खेत में तीन प्रकार की फसलों का चयन करते हैं। एक तो वो फसलें जो हमारे बॉर्डर पर हमारी बफर जोन के रूप में सुरक्षा करती हैं और उसमें सारी वो पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं जो मेरे खेत में लंबे समय चलती हैं। दूसरा, मैं अपने खेत को दो जोन में बांट देता हूँ, एक सीजनल जोन और एक पेरिनियल जोन, अर्थात एक वर्ष से ज़्यादा वाली फसलें और एक वर्ष से कम वाली फसलें। एक वर्ष से ज़्यादा वाली फसलों में हम गन्ने को रखते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि जिसमें हम हल्दी में खड़े हैं ये हमारा सीजनल जोन है और जो बराबर में आपको गन्ना दिख रहा है ये दोनों ही हमारे पेरिनियल जोन हैं। गन्ने का उत्पादन यहाँ हम सात आठ साल तक लेते रहेंगे और इसमें हम हल्दी के बाद अलसी की खेती करेंगे या उससे पहले भी कुछ और करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है, इसमें मल्टी लेयर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। गन्ना भी हम उतना ही लेते हैं जितना किसान निकालते हैं और हल्दी के साथ होने वाली जो दो चार और फसल भी हैं वो हम बराबर चलाते रहते हैं। दूसरी बात, हम ये भी खोज रहे हैं कि जंगल में जंगली जानवरों के कारण यदि कोई नुकसान किसान को होता है और उसमें किसानों को लगता है कि ये खेती हम नहीं कर सकते तो उसके विकल्प भी किसानों के पास हैं। जैसे हल्दी को ना कोई नीलगाय खाती है, ना इसमें कोई बीमारी है, ना इसमें कोई रोग है, तो ऐसी फसलें जो बड़े मुनाफे की फसलें हैं उन पर हम काम कर सकते हैं। और मैं अंत में एक बात कहूँगा कि यदि हम खेती को उसके चारों घटक एक साथ जोड़ते हैं, उत्पादन के साथ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के साथ में प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण के साथ बाज़ार अपने आप जुड़ ही जाता है। तो इस आधार से जिस इकोनॉमिक्स की तलाश में हम हैं कि हमारी खेती आमदनी का जरिया बन जाए, रोज़गार का जरिया बन जाए और गाँव के लिए एक वरदान साबित हो, तो ऐसे में मैं आज इन साथियों के साथ इस बात की विश्वासपूर्वक गवाही देना चाहता हूँ कि आप यदि खेती समझ कर करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद जी।